अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्टर साझा कर अपनी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल का ऐलान कर दिया है। साजी नाडियावाला द्वारा निर्मित फिल्म हीरोपंती 2 ईद के शुभ मौके पर 29 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया अभिनीत ये फिल्म साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सुर्खियों में रही हैं। अभिनेता के निधन के बाद ड्रग केस में रिया का नाम सामने आने के बाद से वह लाइमलाइट से दूर रही थी। इसी बीच अब रिया ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए रिया ने लिखा है कि 2 साल बाद काम पर वापस लौट चुकी हूँ। सामने आए इस वीडियो में अभिनेत्री वॉइस रिकॉर्डिंग करती नजर आ रही है। दिशा पाटनी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में फैंस का दिल जीत लिया है। दिशा के ग्लैमरस अंदाज ने फैंस को अपना दीवाना बना दिया है। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहती हैं। एक बार फिर दिशा पाटनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिशा का स्टंट देखकर टाइगर श्रॉफ भी हैरान रह गए हैं। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी लंबी फैन फॉलोइंग है। पलक भले ही अभी फिल्मी दुनिया में चर्चित ना हो लेकिन अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर वह सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती रहती हैं। पलक तिवारी ने अब एक बार फिर अपनी एक से बढ़कर एक स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी ये तस्वीरें फैंस का दिल लूट रही हैं। एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा सोशल मीडिया पर फैंस के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं। आए दिन दोनों ही सितारे अपने लेटेस्ट पोस्ट के जरिए फैंस को एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। वहीं हाल ही में जेनेलिया ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वे रितेश के साथ नोरा फतेही के गाने डांस मेरी रानी पर जमकर डांस करती नजर आ रही है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।